नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों में होने वाली आंखों की समस्या के विषय में होम्योपैथिक औषधि के भूमिका के विषय में चर्चा करूंगा। बहुत से लोगों को सर्दियों में आंखों की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि आंखों में लाली आ जाना, आंख का सट जाना, आंखों में पलकों में स्वेलिंग आ जाना, कम दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, ऐसी समस्याएं सर्दियों के मौसम में हो जाती है। इस परिस्थिति के लिए होम्योपैथिक की कई ऐसी औषधियां हैं जिसे अगर आप नियमानुसार सेवन करते हैं तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। एवं अगर आपको ऐसी समस्या हो गई है तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। होम्योपैथिक औषधि का एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसे आप नियमानुसार सेवन करें तो आप इससे बहुत ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसमें पहली औषधि है एकोनाइट 3X, दूसरी औषधि है बेलाडोना 3X एवं तीसरी औषधि है रस्टॉक्स 30 तीसवीं शक्ति में। आपको इन तीनों औषधियों को समान मात्रा में मिला लेना है एवं अगर आपके आंखों में स्वेलिंग हो गई हो, आंख सट जाते हो, पलके भारी महसूस कर रहे हो, धुंधलापन दिखाई दे रहा हो तो इस औषधि को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर एवं 2 बूंद रात्रि में आप लगातार 7 दिनों तक सेवन करें, आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर आपके आंख सट जाते हों तो ऐसी परिस्थिति में भी ये औषधि बहुत कारगर सिद्ध हुई है। साथ ही साथ आपको SBL कंपनी की यूफ्रेशिया आई ड्रॉप का भी सेवन करना है। यूफ्रेशिया आई ड्रॉप को आपको 2-2 बूंद करके दोनों आंखों में डालना है। सुबह एक बार डालें एवं रात्रि में सोते समय एक बार डालें। इससे आपके आंखों की सुरक्षा होगी, साथ ही साथ ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। आजकल बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि लगातार मोबाइल देखना, कंप्यूटर देखना, ऐसी स्थिति प्रायः बनी रहती है जिस कारण से आंखों पे दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आंखों की सुरक्षा के लिए यूफ्रेशिया आई ड्रॉप रामबाण का कार्य करती है। अगर ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम करते हों एवं लगातार मोबाइल पे देखने की आदत बनी हुई हो, उनके आंखों में खासकर ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है, धुंधली दृष्टि, सिर चक्कर देना, सिर में दर्द, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसी परिस्थिति के लिए भी यूफ्रेशिया आई ड्रॉप रामबाण औषधि है। इसे 2 बूंद करके दोनों आंखों में सुबह एवं रात्रि में सेवन करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।